आप देख रहे हैं खबर पांडव्य स्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ। काजौरा क्षेत्र के जामबाद में भूधासान में घर समेत जमी दोज हुई। महिला शाहनाज बानो का शव निकालने के लिए रेस्क्यू जोर शोर से चल रहा है, लेकिन 24 घंटा से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शव को नहीं निकाला जा सका है। वहीं काजौरा क्षेत्र के नए GMGC राय ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और कार्यो का जायजा लिया। भूधासान से प्रभावित परिवारों ने सड़क पर रात गुजराने और सुधा नहीं लेने का आरोप प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन पर लगाया। विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी घटना के दूसरे दिन रविवार 21 जून को भी घटना स्थल का दौरा किया और ECL द्वारा चलाए जा रहे बचाव कार्य को देखा और प्रभावित लोगों से वार्ता किया और हर संभव मदद करने की बात भी कही। आपको मालूम हो कि 19 जून की रात्रि में जामबाद में एक बड़ा भूभाग में आवाज के साथ भूधासान होने से घर समेत एक महिला जमीन में समा गई थी, वहीं कई घर ध्वस्त हो गए। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही Facebook पेज पे भी जुड़े। खबर पांडेश्वर, नई सोच नई उम्मीद के साथ।